सॉरी सर, आई वॉज हेल्पलेस। अगर मुझे पता होता तो इन्फॉर्म करता, पर मुझे भी पता नहीं था सर। जाकर सिर्फ पासवर्ड बताना है भैया, उसके बाद वो हमें रिटर्न कर देंगे। पासवर्ड मुझे मालूम होता तो पहले ही बता देता, फिर वो नहीं ले जा पाते। आदित्य नारायण बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है सर, वो किसी की नहीं सुनते। अब क्या होगा सर? रेड में सीज की हुई सारी चीजों को आईटी हेडक्वार्टर्स के सेफ रूम में रखते हैं। उस सेफ रूम को ओपन करने के लिए एक एक्सेस कार्ड होता है, वो एक्सेस कार्ड भी सिर्फ उन्हीं के पास होता है सर। मतलब कार्ड देने पर सेफ लेकर आओगे? एग्जैक्टली सर। नाउ गेट आउट सर। एक्सेस कार्ड भिजवा दूंगा। आई सेड गेट आउट। एक्सेस कार्ड, अपना नाम बाहर आए बगैर वो एक्सेस कार्ड चाहिए। वो हमें क्यों देगा भैया, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। चाहे जितना स्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, एक वीकनेस होगी, उसकी वीकनेस ही अपनी स्ट्रेंथ है। क्या हुआ, मिला क्या? नहीं यार। तुझे क्या हुआ? निवासी बाबा इस वक्त समाधि ले रहे हैं यार। छे, चल फोन करते हैं। या हाँ हाँ, उनसे कही कि मंडे आकर मिलेंगे। या प्रिया। हाँ जी। बेबी क्या करेगी? जिमी को लेकर बाहर वॉक पे गई है, आ जाएगी। हेलो, आदित्य नारायण जी बोल रहे हैं क्या? जी हाँ बोल रहा हूँ, कहिए। वो मैंने ना आपकी बेटी को किडनैप किया है। हेलो हेलो, दत्त एंगेज आ रहा है। हेलो सर, आपने सुना ना, मैंने आपकी बेटी को किडनैप किया है। कौन हो तुम लोग, कहाँ से बात कर रहे हो? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। कितना पैसा कहाँ पर लाना है वो मैं फोन करके आपको बताता हूँ। ओके सर, सर 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 सर, एक और बात, ये मैटर पुलिस तक नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं तो मुझे खामखा आपकी बेटी को मारना होगा और उसकी लाश आपको मिले या ना मिले, समझ गए ना? हेलो, किडनैपर्स। कितने चाहिए? इसकी बेटी ने घर जाकर बता दिया होगा, पूछ रहा है कितने चाहिए। हाँ, पाँच पाँच। थोड़ा बड़ा अमाउंट है लेकिन मजबूरी है, 5 लाख। 5 लाख? देखा कुत्ते को कितना चाहता है, 5 लाख बोला तो 5 लाख देने के लिए तैयार हो गया। hey, तुम लोगों ने मेरी जान को किडनैप किया है। आपकी जान को हमारी जान की तरह देख रहे हैं सर, आप ही उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो। What do you mean? मतलब ये तो अब जवान हो गई है, ऊपर से लड़की है, दहलीज पार करते ही यहाँ वहाँ देख रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपकी बेबी हमारे पास बहुत खुश है सर। अब ये सुनिए, आते वक्त कीचड़ लग गया तो उसे नहलाया भी था। तुमने उसे नहलाया? मैं अकेला ही नहीं हूँ, हम सब ने मिलकर नहलाया। आपकी बेबी बहुत बदमाश है, नहलाते वक्त हम पर हाथ रखकर बदमाशी कर रही थी। अगर मेरी बेबी को हाथ भी लगाए तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर ये कुत्ते के मामले में ही इतना पजेसिव है तो बेटी के मामले में कितना पजेसिव होगा। इन सब से हमें क्या लेना देना सर, आप हमारे पैसे भेज दीजिए, आपकी बेबी को घर भेज देंगे। ठीक है, ये बताओ पैसे कहाँ लाने हैं? चार मीनार के पास, पुरानी मस्जिद। हेलो, पहचाना नहीं, थोड़ी देर पहले फोन किया था ना, वही किडनैपर बोल रहा हूँ। ये क्या है, तुम लोग एक नंबर से कॉल नहीं कर सकते क्या? अच्छा, हमारा फोन टेप करना है तुम्हें? हम कोई छोटे से बच्चे नहीं है। अब जो कहता हूँ वो सुनो, टाइम वेस्ट किए बिना 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर गोलकोंडा की पुरानी एवेन्यू पर जल्दी से पहुँच जाइए। 1 करोड़? अभी तो कॉल किया था कि इतनी जल्दी इतना सारा कैश। जो बोल रहा हूँ वो कर, 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर पहुँच। तुझे एक्सेस कार्ड से क्या मतलब है? बेबी बेबी सुना ना, अब समझा? मैं हमेशा सिगरेट पीता हूँ, जितने बार सवाल करेगा उतनी बार तेरी बेटी जलेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर आता हूँ। ये 1 करोड़ क्यों? भाई ने तो सिर्फ एक्सेस कार्ड मांगा था ना। एक्सेस कार्ड भैया के लिए, करोड़ रुपए हमारे लिए। हेलो, क्या टाइम सेंस नहीं है क्या? आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट में गोलकुंडा पहुँच जाऊंगा। गोलकुंडा क्यों, हमने 4 मीनार कहा था। ये क्या, इससे पहले तो ओके, मैं 4 मीनार आता हूँ। कुत्ते के जाने के गम में रास्ता भूल गया लगता है।
अभी आप देख रहे हैं निमासी बाबा के सजीव समाधि की तैयारियां। तैयारियां बहुत धूमधाम से हो रही है। आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया बाबा? रात में मुझे त्रिमूर्तियों ने बुलाया था बच्चा। त्रिमूर्तियां मतलब अनिल नसीर जैके ना बाबा? नहीं बच्चा, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या कहा बाबा? कहा मेरे बिना स्वर्ग ऑडियंस के बिना थिएटर जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, मुझे वहाँ बुलाया है बच्चा। अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा। वो समाधि है बेटा, समर कैंप नहीं, जो जब चाहे तब वहाँ चला जाए। सिनेमा थिएटर है, शो के वक्त ही सिनेमा देखना चाहिए, बुलावे के बाद समाधि लेनी चाहिए। आप भगवान है, आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो सिनेमा एक साल चलती है उसे भी एक दिन थिएटर से उतरना होता है, वैसे ही आत्मा भी है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता बाबा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज बाबा। प्लीज प्लीज बाबा, सच बोलने तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर मैं जाऊँ तो उस ब्लैकमेलर का टॉर्चर भी नहीं सह सकता। देखो बच्चा बाबा, मुझे हमेशा एक एनआरआई का कॉल आता है, पता है ना? वो मुझे हमेशा संताराम संताराम कहता है। संताराम? हाँ। ये कौन है? उधर देखो। कम 5 रुपीज 20 रुपीज 10 रुपीज 50 रुपीज 5 रुपीज 20 रुपीज 10 रुपीज 50 रुपीज 10 रुपीज 50 रुपीज। अरे है मेरे पास। लड़की के बाजू की सीट है। नहीं है। ये लो। लड़की कहाँ है? वहाँ है। मेरा हिसाब? हाँ, तुझे ही ढूंढ रहा था। ये ले 100। भाई भाई एक टिकट दीजिए। एक ही है लेकिन नहीं दूंगा। क्यों? वाटर बॉटल में क्वार्टर मिलाकर सिप करते हुए सेकंड शो देखना मेरी आदत है। लो सुपर। क्या तू है? मैं सोचा वो कोई बात नहीं, आदत है। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया। शिप डूब रही है। रोज रोज जैक डूब गया। रोज 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 मेरा नाम ले रहा है जी। शिप, बड़ी शिप डूब रही है। सर क्या हुआ? मैडम के नाम की शिप मालदीव में डूब गई है सर। डूब गई? हाँ सर। 520 20 50 520 20 50। ये तो अपनी शिप का नंबर है। अपनी शिप का? रोज रोज सर, ये तो अपनी मैडम का नाम है। हाँ ये तो। क्या हुआ, क्या होने वाला है? इस ज्ञानी को सब कुछ पता है सर। सर मेरी शिप डूब गई है सर, अब मैं क्या करूँ बताइए। शिप डूब गई तो क्या हुआ, सिनेमा हिट है। सिनेमा? सुपर हिट, मेगा हिट। शायद आपको सिनेमा कह रहे हैं। 10 रुपीज 100 रुपीज 10 रुपीज 100 रुपीज। सर ये कह रहे हैं कि 10 रुपए लगाने पर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। अरे इन्हें उठाइए ना। सर बाबा और सिनेमा निमासी बाबा हो गया। इसी फ्लैशबैक की वजह से उसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। सुबह सुबह उठकर भजन करके पैसे कमाना और शाम होते ही सारे पैसे उसके नाम कर देना। इन्हीं सबसे पीछा छुड़ाने के लिए बचे हुए पैसों से कहीं भागने की प्लानिंग की थी। मैं नहीं मानता। कौन सा सिनेमा कितने दिन तक थिएटर में चलेगी, किस स्टार का समय अच्छा चल रहा है, ये आपको कैसे पता? तो ये है प्रॉब्लम, बारिश हो, धूप हो, दिन हो, रात हो, सिनेमा पर जीने वाले साइकिल स्टैंड वाले को पता होता है सिनेमा कितने दिन चलेगी। फिल्म स्टार को नहीं पता होता। समोसा बेचने वाले को पता होता है सिनेमा कितनी हिट होगी, लेकिन डायरेक्टर को नहीं पता होता। मेरे जैसे ब्लैक टिकट बेचने वाले को पता होता है सिनेमा का कलेक्शन कितना होगा, लेकिन प्रोड्यूसर को पता नहीं होता। हमारा प्रीव्यू नहीं होता, रिव्यू नहीं होता, ओनली क्लैप्स एंड व्हिसल्स होता है। समझ गया ना? कहाँ चला गया? हाथ में लकड़ी क्यों है बच्चा? आपके ऊपर भरोसा करके शादी के मंडप से उठकर भाग आया, जिंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। अरे बाप रे, अरे अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो, छोड़ो, अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। उधर क्यों देख रहा है, इंटरवल है क्या? वो पैर हाँ, पानी ले ले और सर पर छिड़क ले। हाँ ऐसे मेरे हाथों से अपने ये पैर धुलवा कर। यही है वो पैर, वही पानी अमृत बोलकर मुझे पिलाया था ना। अरे मत मार, मत मार बच्चा, मत मार, मत मार बच्चा, रुक जा।